फिल्म नहीं चलन देंगे, अक्षय कुमार की फिल्म नहीं चलन देंगे। विरोध और हंगामे की ये तस्वीरें पंजाब के अलग अलग शहरों की है, जहां अक्षय कुमार की नई फिल्म सूर्यवंशी का जोरदार विरोध किया गया। फरीदकोट में किसानों ने फिल्म के पोस्टर जलाए, तो वहीं बरनाला में भी फिल्म के पोस्टर को लेकर जोरदार विरोध किया गया। हाल ही में अक्षय कुमार की फिल्म सूर्यवंशी थिएटर में रिलीज हुई है, जहां एक तरफ रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म को लेकर किसान खासा नाराज नजर आ रहे हैं। वजह है बॉलीवुड के कई सेलेब्स की किसान आंदोलन पर चुप्पी। अब पंजाब के कई किसानों ने इस फिल्म को लेकर कहा है कि वो इस फिल्म की स्क्रीनिंग ही नहीं होने देंगे। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। किसानों के गुस्से के पीछे वजह है अक्षय कुमार की तरफ से मोदी सरकार के 3 कृषि कानूनों का समर्थन करना। दरअसल कुछ समय पहले अक्षय ने कहा था कि ये 3 कृषि कानून किसानों की भलाई के लिए बनाए गए हैं। तभी से किसानों में अक्षय को लेकर लगातार आक्रोश भरा हुआ है। यही वजह है कि किसान अब अक्षय की इस फिल्म का बायकॉट कर रहे हैं। इससे पहले भी पंजाब के किसानों ने सूर्यवंशी फिल्म को लेकर कई बार अपना गुस्सा जाहिर किया था। अब किसानों ने फिल्म के विरोध में एक बार फिर अपना आक्रोश जाहिर किया है। पंजाब के अलग अलग शहरों में इसके खिलाफ विरोध किया जा रहा है। आलम यह है कि पंजाब के बरनाला, फरीदकोट और होशियारपुर में अक्षय कुमार और कटरीना कैफ की इस फिल्म की स्क्रीनिंग ही रोक दी गई है। इस दौरान किसानों ने अक्षय कुमार और मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। यही नहीं, किसानों ने इस दौरान मोदी का यार अक्षय कुमार मुर्दाबाद जैसे नारे भी लगाए और फिल्म के पोस्टर तक जला डाले। बरनाला में भी शनिवार को भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने सिनेमा हॉल और मॉल के आगे अक्षय कुमार की फिल्म के पोस्टर फाड़कर रोष प्रदर्शन किया। अक्षय कुमार की फिल्म के खिलाफ बड़ी संख्या में किसान वहां पहुंचे। किसानों का कहना है कि अक्षय कुमार ने लगातार पंजाबियों और सिखों के रोल प्ले करके फिल्मों से करोड़ों रुपए कमाए हैं। जब पंजाब के लोगों के साथ खड़े होने का समय आया, तो उस समय वे पंजाब के लोगों के उलट सरकार के हक में ही खड़े हो गए। उनके इस कदम के कारण किसान अक्षय कुमार की फिल्मों का बायकॉट कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि ये विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक कि 3 कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते। बता दें कि रिलायंस एंटरटेनमेंट और धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी डायरेक्टर रोहित शेट्टी की ये फिल्म हाल ही में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी, जिसकी स्क्रीनिंग के लिए भी कई बड़े बड़े सेलेब्स पहुंचे थे। इस फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा कटरीना कैफ लीड रोल में है, जबकि अजय देवगन और रणवीर सिंह भी इस फिल्म में नजर आ रहे हैं।